मोजो वलागर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे बालाघाट में स्थित एक ऐसे जीवाश्म म्यूजियम के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानकारी रखते हैं। दरअसल गुलाम भारत में अंग्रेजों ने 1909 ईस्वी में दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतुओं से नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए बालाघाट के रेंजर कॉलेज में जीवाश्म म्यूजियम को तैयार किया था। विडंबना यह है कि सरकार की लापरवाही और विभागीय उदासीनता के कारण यहां पर रखे वन्य जीवों के अवशेष न केवल अपनी पहचान खो रहे हैं बल्कि उनका कायाकल्प करने के लिए भी सरकार की ओर से कोई बजट नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा ब्रिटिश शासनकाल की धरोहर को संवारने की कोशिश आज तलक दिखाई नहीं दे रही है। कभी इस म्यूजियम का प्रशिक्षु वनकर्मियों के लिए काफ़ी कुछ महत्व हुआ करता था, किंतु आज यहाँ के हालात देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो इसका कोई औचित्य ही नहीं है। यहाँ पर मौजूद जीवाश्म की पहचान अब आसानी पूर्वक भी नहीं की जा सकती है। अधिकांश जीव जंतुओं के जीवाश्म पर मौजूद नेमटेग या तो हटा दिए गए हैं या फिर रखरखाव के अभाव में खराब हो गए हैं। वैसे तो इस म्यूजियम में जीव जंतुओं के अलावा आदिवासियों की परंपरा रीति रिवाजों से जुड़े दैनिक उपयोग के संसाधन और औजार भी बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन उनकी भी सूध नहीं ली जा रही है, जिससे उन पर मकड़ियों के जाले और धूल का गुबार स्पष्ट तौर पर देखने मिल रहा है। यहाँ पर वन्य जीव सरीसर्प प्रजाति और पक्षियों के जीवाश्म बहुतायात में है, जिन्हें देखकर दुर्लभ हो चुके जीव जंतुओं का अध्ययन आसानी पूर्वक किया जा सकता है। रखरखाव के अभाव में यह सभी जीवाश्म एक फियर फाइल्स की तरह प्रतीत हो रहे हैं। मैंने शुक्रवार को अनौपचारिक तौर पर मुख्य वन संरक्षक सेंगर साहब से जब मुलाकात की तब जाकर इस संग्रहालय के बारे में जानकारी मिल पाई। आज भी अधिकांश लोग इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं, जबकि यह म्यूजियम ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज ऑफिसर माइकल क्राई के द्वारा तैयार की गई एक ऐसी रचना है जो कायाकल्प होने से नवागत ऑफिसरों के साथ वनकर्मियों और लोगों को भी दुर्लभ जीव जंतुओं की जानकारी प्रदान कर सकता है। फिलहाल तो देखना यही होगा कि ब्रिटिश यादों को समेटे इस फॉसिल म्यूजियम का सरकार कब तक जीर्णोद्धार कर पाती है।